के सामाजिक ढांचे को मजबूत और पुर बनाने में एक तरफ जहां सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं वहीं दूसरी जानी हमारी अदालतें भी एक कलीदी रोल अदा करती हैं अदालतों में आपसी झगड़ों से जुड़े ऐसे बहुत से केसेस हैं जो किसी भी नतीजे पर पहुंचने में एक तवील मुद्दत ले लेते हैं इस तरह एक के बाद दूसरा मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचता रहता है और हमारी अदालतों में इकट्ठे हो जाते हैं जिससे अर्जी गुजार की परेशानियों में मजीद इजाफा होता है मुल्क के अदालती निजाम को बेहतर तरीके से चलाने की सिमत में अदालतों में पेंडिंग पड़े मामला को जल्द खत्म करने के लिए भारत सरकार उन्नीस में लीगल सर्विसेज एक्ट लेकर आई जिसके तहत लोक अदालत की फॉर्मेशन हुई लोक अदालत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट उन्नीस के तहत एक कानूनी इारा है जो कि अदालतों के बाहर आपसी लड़ाई झगड़ों के निपटारे के लिए एक मुतबाद तरीका कार के तौर पर तश्कील दिया गया है अगर इसकी अकसाम की बात की जाए तो ये चार किस्म की होती है जिसमे परमानेंट लोक अदालत जिसके तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट डाक और टेलीग्राफ वगैरह से जुड़े मुकदमत को निपटाने का एक तरीक़ार फराहम करता है इसी तरह नेशनल लोक अदालत जो कि 2015 से पूरे हिंदुस्तान में किसी खास टॉपिक पर मुनबद होती है और एक ही दिन में एक बड़ी तादाद में मामले का निपटारा करती है इस तरह मुल्क भर में लोक अदालतें लंबे समय से बड़े पेंडिंग केसेस के निपटारे में एक नुमाया रोल अदा कर नाजरीन आदाब इस्तबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन और मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद नौमान मुल्क में आबादी के बढ़ने के साथ ही अदालतों में मुकदमों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हुआ है अगर आदाद व शुमार की बात करें तो देश की अदालतों में तकरीबन चार आशारिया सात करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं ऐसे हालात में लोक अदालतों ने जुडिशल सिस्टम और मुकदमों के बोझ को कम करने का काम किया है क्या है लोक अदालतें और आप उनसे कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं जानेंगे आज की इस खास पेशकश में और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ वकील जनाब रोहित साहब आपका आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्ते है रोहित जी जब हम बात करते हैं एक ऐसा लफ्ज है जो सुनने वालों को फौरन ये असर डालता है लोक अदालत का मतलब जनता की अदालत आखिर क्या है लोक अदालत इसकी जरूरत हमारे देश में कब महसूस की गई बिल्कुल देखिए जैसे आपने अभी बताया लोक अदालत का मतलब है जनता की अदालत इसका अभिप्राय यही है पीपल्स कोर्ट यह एक गांधीवादी सिद्धांतों पे बेस्ड एक कोर्ट बनाया गया है जिसमें जब कोई मुकदमा इस प्रकार का आता है जिसमें समझौता हो सकता है और उस मुकदमे का विवाद का निपटारा हो सकता है तो उसको हम लोक अदालत में रेफर कर देते हैं जिस तरीके से पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रही है सिविल कोर्ट्स में सिविल कोर्ट्स के पास काफ़ी काम है क्रिमिनल कोर्ट्स के पास काफ़ी काम है उस समय उनके पास ऐसे विवाद भेजना जिनका मूलत है, ही समझौते से खत्म हो सकता है एक पेंडेंसी को बढ़ाता है तो हमारे पार्लियामेंट ने 1987 में एक एक्ट एक बनाई लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 जिसके तहत उन्होंने लोक अदालत का गठन किया जो एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म के तौर पे भी देखा जा सकता है कि आप कानूनी जो सुविधाएं हैं उससे हटके एक समझौता जैसे आपने देखा होगा आमतौर पे पहले कानून से पंचायत होती थी तो लोग वहां बैठ के समझौता करते थे वाद विवाद करके एक निष्कर्ष पर आकर अपने विवाद को खत्म कर देते थे यानी जो हमारे देश की एक कदीम परंपरा थी पुरानी जहां बैठ जाते थे और वो पंच पंचायत बैठ जाती थी और वहां लोग आपसी सहमति के साथ वो कर लेते थे उसका एक रूप देने की कोशिश की गई बिल्कुल उस उस रूप को एक न्यायिक परिस्थितियों में ला के उसको उस तरीके से किया गया है कि आपके उसका एक सेंक्शन हो उसकी एक मान्यता हो तो इस तरीके से लोक अदालत का गठन किया गया सबसे पहले जो लोक अदालत हुई थी वो गुजरात में हुई थी सन नाइनटीन में उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उसको एक सक्सेस मिली है लोग उसमें जाना पसंद करते हैं और उनका विवाद अच्छे से निमटारा हो रहा है तो 1987 में ये एक्ट बना दी गई और 2002 से स्थाई लोक अदालत बना दी गई हैं अब लोक अदालत भी कई प्रकार की बना दी पहले मैं बताता हूं, इस एक्ट के अंदर दो उसमें दो फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है पूरी गवर्नमेंट एजेंसी को और पूरे देश को जिसमें पहला होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और दूसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये दोनों इस एक्ट के तहत इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनके अंतर्गत आप लोक अदालत को लगा सकते हैं उसकी कार्यप्रणाली पर ध्यान दे सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से केसेस लोक अदालत में जा सकते हैं और कौन से केसेस लोक अदालत में नहीं जा सकते अगर ये बात पूछी जाए मैं आपसे ही पूछना चाहूं कि कौन-कौन से केसेस हैं जो लोक अदालत में जाते हैं और कौन-कौन से ऐसे केसेस हैं जो लोक अदालत में नहीं जाते तो उसको कैसे समझाएं देखिए हमारे कानून के अंतर्गत हमारे इंडियन पीनल कोड में बताया गया है कि दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं दो तरीके और कुछ होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वह होते हैं जिसमें आप समझौता करके उस वाद को निपटा सकते हैं उसका निपटारा कर सकते हैं तो जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसिस हैं आप उनको लोक अदालत में स... लोग सोचते हैं कि लोक अदालत सिर्फ सिविल डिस्प्यूट के लिए लेकिन क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी जहां पे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नेचर के हैं जहां पे समझौता हो सकता है जहां पे कानून यह मान्यता देता है कि आप इस विवाद में समझौता करके निपटारा कर सकते हैं ऐसी स्थिति में कोर्ट उस केस को भी लोक अदालत में रेफर कर सकता है और उसका निपटारा अच्छी तरीके से हो सकता है बाकी दीवानी मुकदमे जिम्मे जिसे हम सिविल केसेस कहते हैं वो जहां पे दोनों पार्टीज एग्रीड हैं कि हम इसमें समझौता कर सकते हैं जो भी ले दे के जिस तरीके से हम बैठ के चाहे वो किराएदार मकान मालिक का हो चाहे वो पड़ोसी का हो या किसी के आपस में ऐसे गली मोहल्ले के अंदर झगड़ा हो गया जो भी छोटे-मोटे डिपाटीज एंड पैटियो फेंसिस कहते हैं अगर वो ऐसे विवाद है तो वो भी आप लोक अदालत में रेफर करा के उसका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हैं दूसरी चीज जैसे आपके आपने देखा होगा आजकल मोटर व्हीकल एक्ट के जो चलान के केसेस आते हैं नियमित रूप पे लोगों गाड़ी इसी, चलाते इसी हैं लोगों ने अदालत को ज्यादा बिल्कुल लोगों का एक्चुअली उनको पता ही लोक अदालत का इसलिए पता चला कि चलान उसमें भुगते जाते हैं तो एक आपको सहूलियत मिल जाती है आपको लंबा कोर्ट की डेट्स नहीं निकालनी पड़ती आप एक दिन गए हैं आपने उसी दिन अपनी फाइल प्रेजेंट किया और उसी दिन आपका निपटारा हो गया

अपनी पावर होती है कि वो उसमें जितनी भी कमी हो सकती है वो कर सकते हैं सिर्फ चलान के केसेस नहीं जैसे बिजली उपभोक्ता होते हैं बिजली का बिल नहीं भरा गया उसमें आपकी पेनल्टी आ गई या और भी कोई गवर्नमेंटल आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आया है कोई पेमेंट देनी है कोई पेनल्टी पे करनी है तो आप उसका निपटारा भी अगर आप चाहते हो कि आप वो पे करना चाहते हैं तो आप लोक अदालत में रेफर करा के एक समझौते पे आकर उसका निपटारा कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे केसेस इस तरीके के भी होते हैं जैसे आपने कहा कि क्रिमिनल के अंदर भी आ सकते हैं तो क्रिमिनल के जो ऑफेंसेस हैं ये एक बहुत अहम मसला जो आपने इस वक्त सामने लाए हैं आप कि क्रिमिनल के अंदर वो कौन से केसेस हैं जिनको हम इस तरह से निपटा सकते हैं मैं जरूर चाहूंगा कि इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी हो बिल्कुल देखिए जैसे मैट्रीमोनियल केसेस हो गए केसेस में आम पे जब विवाद होता है तो उसमें आपकी मेंटेनेंस का भी विवाद आता है और कई चीजें आती हैं जिसमें लेन देन का विवाद होता है कि हमने कुछ लिया था कुछ दिया था तो उसमें एक क्रिमिनल केस तो अलग चला रहता है लेकिन एक छोटे मुद्दे को जो आप कंपाउंड कर सकते हो जिसमें आप समझौता कर सकते हो उसको लोक अदालत में रेफर करके उसका निपटारा किया जा सकता है बाकी जहां आपस में लड़ाई हो गई हो सेक्शन थ्री थ्री सिंपल हर्ट है आपस में चोट पहुंच गई है छोट मोट हो गया एफ रजिस्टर हो गई है लेकिन अब पार्टी इस केस को चलाना नहीं चाहती उनको लगता है कि हम आगे विवाद में क्या करेंगे इसको हम निपटारा कर दें तो कोर्ट से रेफर करा सकती है एक एप्लीकेशन मूव कर सकती है दोनों पार्टी मिलके कि हमारा इस केस को लोक अदालत में कर दिया जाए क्योंकि एक पेटी ऑफेंस है और कानून हमें व्यवस्था देता है कि हम इसको कंपाउंड कर सकते हैं हम इसको समझौते के तहत खत्म कर सकते हैं तो कोर्ट परमिशन दे देगी और लोक अदालत के द्वारा ऐसे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे यानी एफ जिन केसेज में है उनके अंदर भी आप चाहें, तो, आ, हाँ, हो सकता अगर आप चाहे अगर उनमें कोई भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है यानी जहां पे हमारी आईपीसी में बताया गया है कि यह है मामला संगीन अपराध जिसे हम कहते हैं जैसे रेप केसेस हो गए मर्डर हो गए चोरी जो एक सोसाइटी के लिए रोंग है रोंग है जो जिसमें संगीन अपराध है जिसमें तीन साल से ज्यादा की सजा है ऐसे केसेस में हमारी आईपीसी में बताया गया है कि वो कंपाउंड नहीं हो सकते, तो संगी, हाँ उस, उसको उसको सकते।, सकते। अपराधों को आप लोक अदालत में रेफर करा सकते हैं और उसका आप अपना रिड्रेसल करा सकते हैं दूसरा जो बैंक बैंक रिकवरीज होती है तो लोक अदालत की एक लिमिट बना दी गई है कि बीस लाख तक की अगर बैंक ने रिकवरी करनी है क्योंकि क्या होता है छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं सारे जैसे बैंक ने है। आपको लोन दिया है तो कागजी कार्रवाई है उसमें आप मना नहीं कर सकते कि हमारे पास लोन नहीं आया तो एक तरह से उसमें एक्सेप्टेंस है है कि आपने वो चीज ली हुई है। ली है तो आप उसको तथ्य को मना नहीं कर सकते तो उसको प्रूव करने के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत है उनकी मांग ज्यादा होती है इसीलिए लोक अदालत में आप रिकवरी के केसेस को ला सकते हैं जिसमें एक बैंक का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और आप बैठ के एक सलाह कर सकते हैं कि हम इतना कर देंगे वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगी इतनी पेमेंट हो सकती है तो इससे एक स्पीड ट्रायल हो जाता है अगर हम यही मैटर सिविल केस में लेके जाएंगे तो आपको पहले डेट मिलेगी नोटिस होगा फिर दोनों पार्टीज आएंगी जवाब दवा देगा तो वो दो से तीन साल चार साल तक भी खिंच सकता है लेकिन इसमें समय सा, आपका बच जाता है आपने बिल्कुल. कहा कि कि कई तरह की अदालतें होती हैं और फिर आपने ये भी बताया कि महीने में में एक दिन वो होता है तो क्या अगर इंसान कोई अदालत लोक अदालत लोक जाना चाहता है तो वो महीने में उस पर्टिकुलर डे का इंतजार करेगा या फिर रोजाना भी कहीं अदालत होती है जहां वो जा सके लोग अभी तक रोजाना अदालत लोक अदालत नहीं लग रही है इसमें क्या होता है एक परमानेंट लोक अदालत करके नेशनल लोक अदालत डे बनाया जाता है हर महीने जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया एक दिन चिन्हित किया जाता है जिस दिन लोक अदालत लगेगी आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है और अब जिस तरीके से लोगों को पहुंचाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है लोक अदालत के बारे में बताया जा रहा है कि आप डिस्प्यूट तो इस बार 12 नवंबर 2022 को लोक अदालत लगी हुई है तो जब भी आप कोई कोर्ट को भेजते हैं एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारे ये मामले को लोक अदालत में शिफ्ट कर दिया जाए तो कोर्ट नोटिफाई कर देती है कि जो भी कमिंग डेट है जिसमें लोक अदालत लगेगी उसमें आपका ये

वो बता सकता है उनको लेकिन आम तौर पे जिस तरीके से अभी लोक अदालत चल रही है लोगों को इतना इसके बारे में मतलब वो भ्रमित हैं या उनको इतना ज्ञान नहीं है तो क्या करते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं एक प्रोसेस को समझने के लिए एडवोकेट्स की तो अभी भी एडवोकेट्स की ज़रूरत लोग मानते हैं लोक अदालत में टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस लेकिन आप खुद भी जाके अपनी फाइल लगा के आप उस केस को बता के जज के सामने उसका समझौता करके दोनों पार्टीज उस विवाद को खत्म कर सकें यानी जिस तरीके से आपने बताया कि अगर किसी के पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है और वो ये चाहता है कि बगैर वकील के उसका मुकदमा जो है उसकी सुनवाई हो जाए और उसका हल हो जाए तो लोक अदालत एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जहां वो जा करके लेकिन उस प्रोसेस को समझने के लिए कुछ लोग ये चाहते हैं और वकील का सहारा लेते हैं अगर आप चाहें आप इतने काबिल हैं और आप अपने मुकदमे के बारे में तमाम चीज़ें जानते हैं तो आप जज के सामने खुद जा के अपना मुकदमा लेकर के जा सकते हैं और वहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी उसको हल करने की लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल ये सबसे बड़ी एक अहम शर्त है उसके अंदर कि जहाँ आप समझौते के साथ मसले को हल करते हैं लोक अदालत का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां बहुत सारे लोगों को फोन आते हैं बैंक की तरफ से आते हैं अगर उनका लोन का मसला है किसी का पर्सनल लोन है किसी का होम लोन है और वहां उनसे मुतालबा किया जाता है और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो रोहित जी ऐसी सिचुएशन में तब क्या करें वो क्या वो इंसान अदालत में जा सकता है ऐसी जहाँ पर उसको परेशान किया जा रहा है इन हालात में देखिए ये लोक अदालत जो बनाई गई थी वो एक तरह से समझौता करके बना जहाँ पे डिस्प्यूट का रिजॉल्व हो सकता है समझौते के द्वारा वो किए जहां आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है कॉल करके कि आप लोन लीजिए नहीं नहीं लोन ले लिया उन्होंने अब वो चुका नहीं पा रहे हैं तो तो उनकी तरफ से फोन आएगा बिल्कुल, बिल्कुल तो आप आप इसको अदालत आप में सेटल कर सकते हैं जैसा हमने बताया था जो बैंक की रिकवरी होती है बैंक जो रिकवरी करती है वो एक सेपरेट एजेंसी को अपना कर देती है रिकवरी के लिए तो फोन आने लाजमी है वो फोन आते हैं लोगों को परेशान करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे लोन लिया था इस बैंक के द्वारा लोन लिया था और अब हम इसको चुकाना चाहते हैं हमारी इतनी क्षमता है हम इस तरीके से बैठ के एक बात करना चाहते हैं तो कोर्ट आपको लोक अदालत में भेज सकता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाए वो आए और इसमें अपना जवाब दे कि क्या वो इतनी अमाउंट में सेटल करने के लिए तैयार है यानी वो सेटल के लिए बुला सकते हैं उनको अगर आप देने की पोजीशन में नहीं है या आपके क्या नाम है पैसे आपके आप आप टाइम टाइम लेना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप लोक अदालत में उस मुद्दे को उठा सकते हैं लोक अदालत की एक्चुअली पावर जो होती है वो सिविल कोर्ट्स जैसी होती है सिविल कोर्ट की तरह ही लोक अदालत किसी भी विटनेस को या किसी भी पर्सन को समन करके बुला सकती है और उनसे उनका जवाब मांग सकती है ज़्यादातर लोक अदालत में डेट्स नहीं लगाते एक या दो तारीख पे मुकदमा खत्म हो जाता है लेकिन कई बार क्या होता है कि लोक अदालत में निष्कर्ष नहीं निकल पाता तो फिर उस मैटर को दोबारा सिविल कोर्ट में भेज दिया जाता है और वो जिस तरीके से एक सिविल दीवानी मुकदमा चलता है उसी तरीके से फिर वो तो चलता वो चलता तो सिविल में जब जाएगा लोक अदालत से मुकदमा क्या कोई इंसान खुद अपना मुकदमा सिविल में ले जाने की सिफारिश कर सकता है या लोक अदालत उसको दोबारा सिविल में भेजती है देखिए लोक अदालत को जब यह है, दिखता है कि यह है व्यक्ति इन दोनों व्यक्ति में अब समझौता होना लाजमी नहीं है वो समझौता नहीं कर सकते हैं आपस में किसी निष्कर्ष में नहीं निकल पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में लोक अदालत जो होती है वो सुमोटो उनको सिविल कोर्ट में रेफर कर देती है कि दैट आपका जो डिस्प्यूट है आपका जो विवाद है वो लोक अदालत में रिजोल्व नहीं हो सकता है तो आप वापस जाके सिविल कोर्ट में या जो भी कंसर्न कोर्ट हो जहां पर आपको इसका हल मिल सके वहां पे जाके अपनी एप्लीकेशन लगाइए अब इसमें एक चीज और आ जाती है ये तो मामला हुआ कि आप लोक अदालत से सिविल में कैसे जाएगा एक अहम मसला ये आ जाता है कि एक दो लोग हैं मिसाल के तौर पर उनका मुकदमा चल रहा है तो दो पार्टीज हैं अब वो दोनों खुद भी ये है चाहती हैं कि हमारा मामला जो है लोक अदालत में चला जाए कुछ वकील हैं वो चाहते हैं कि नहीं जाए बिल्कुल और ये मामला जो इस तरीके से लंबा चलता रहा है ऐसी सिचुएशन में क्या वो खुद उस मामले को लेकर के जाएंगे या अदालत भी लोक अदालत में भेज सकती है देखिए कानून में दोनों तरीके के प्रावधान बताए गए हैं जहां पे कोर्ट को ये लगता है कि यह मामला इस तरीके का है जिसमें समझौता हो सकता है तो ज्यादातर कोर्ट क्या करता है उसको मीडिएशन में लगा देता है मीडिएशन भी एक प्रोसेस है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का बट उसमें क्या होता है मीडिएशन में अगर वो रिजोल्व हो जाता है तो उसको वापस कोर्ट के पास भेजा जाता है टू पास द अवार्ड लोक अदालत का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है उसमें अगर कोर्ट चाहे कोर्ट को लगता है कि यह है मामला वहां पे खत्म हो सकता है तो वो लोक अदालत को उसको रेफर कर देंगे लोक अदालत उसको सुनेगा और उसमें एक अवार्ड पास करेगा जो लोक अदालत का अवार्ड होता आ, है मोहर लग जाएगी बिल्कुल वो वो नॉन अपीलेबल है है उसकी आप अपील नहीं डाल सकते तो वो एक तरह से फाइनल हो जाएगा कि आपने ये एक, आपस एक अहम मुद्दा है जो आपने कहा इस वक्त कि लोक अदालत का जो फैसला हो गया उस पर आप अपील नहीं कर सकते तो ऐसी सिचुएशन में इंसान कहां जाएगा अगर कोई उसमें वहां पर फैसला हो गया और उसके बाद कोई भी पार्टी बाद में संतुष्ट नहीं हो पाती और उनको ये लगता है कि ठीक है हमारा ये समझौता जो हो गया कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई तो फिर वो क्या करें उस सिचुएशन देखिए यह सवाल काफी दिनों से उठ रहा है और कानून में प्रावधान यह दिया गया था कि आप उसको अपील इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो भी निष्कर्ष निकला है वो आप लोगों के आपसी समझौते से निकला है तो अगर आप आज अपने समझौते से मुकर रहे हैं तो आप कल फिर वही करेंगे तो उसको एक बाइंडिंग बनाने के लिए जो लिटिगेशन ज्यादा ना चले इसलिए उसको नॉन अपीलेबल बनाया गया लेकिन अभी रिसेंटली गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि आप लोक अदालत के ऑर्डर को भी अगर कोई कंसीडेंट कंडीशन प्रेसिडेंट थी कोई कंडीशन लगाई गई थी उस ऑर्डर के साथ में और वो फुलफिल नहीं हुई है तो आप हाई कोर्ट में उसकी अपील डाल सकते हैं क्योंकि जब समझौता होता है बिर तो बिर कुछ कंडीशन रख ली जाती हैं और बातचीत होती है कि हम बाद में इनको इतना दे बिर देंगे बिर या अगर बैंक का ही मामला है तो वो इंसान ही कहता है कि मैं छह महीने के बाद या इतने अरसे के बाद एक एक लमसम अमाउंट में दे दूंगा और वो नहीं दे पाता है तो उस सिचुएशन में फिर वो बैंक क्या करे या दूसरी पार्टी क्या करे बिल्कुल इसमें इसलिए लोक अदालत की आप अपील सीधा हाईकोर्ट में डाल सकते हैं जो अभी तक कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंगली रास्ता खुला है खुला है एक बिल्कुल अच्छा एक अहम चीज़ यहां पर यह भी आ जाती है जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि चलान का एक मसला था आपका चलान कट गया है आप जाते हैं लोक अदालत में और वहां उसको मुनासिब तरीके से जैसे भी तय होता है उसको भर दिया जाता है आपका अगर गलत चलान कट गया और आप ये कहते हैं कि नहीं मेरा गलत चलान काट दिया गया है ना मैंने रेड लाइट जम की थी ना मैंने क्या नाम है फास्ट ड्राइव किया था तो मेरा चलान गलत कटा है तो क्या इंसान वहां जाकर के उस कटे हुए चलान को चैलेंज कर सकते बिल्कुल लोक अदालत में अगर आप किसी भी चलान को देखिए आप पहले लोक अदालत में जाते हैं सिर्फ अपने चलान का भुगतान करने कि मैंने ये गलती की है क्योंकि चलान क्या होता है आपका चलान कटा है यानी यू यूअर ओन फॉल्ट तो आप वहां जा रहे हैं भुगतान करने हैं। लेकिन अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप लोक अदालत में जब आपका वो चलान आया है आप उसमें एक विवाद उत्पन्न कर रहे हैं कि यह है, गलत है और इसको तो कोर्ट लोक अदालत उसको सिविल कोर्ट के पास रेफर कर देगी कि आप इस मामले को सुनिए इसके साक्ष्य लीजिए और जो भी हो उस तरीके से निर्धारित करके इसको खत्म कर दीजिए तो लोक अदालत की सिर्फ पावर वहां तक है जहां पे आप किसी डिस्प्यूट पे समझौता करना चाह रहे हैं अगर आप किसी तथ्य को डिस्प्यूट करना चाहते हैं तो आपको वापस सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा वह पावर अभी लोक अदालत के पास नहीं है तो अभी कितनी पावर्स हैं अगर मैं पावर्स की बात करूं जैसे आपने कहा तो अभी क्या क्या इख्तियार हैं क्या क्या पावर्स हैं लोक अदालत की लोक अदालत की मेन पावर क्या है कि जहां पे भी आपका डिस्प्यूट इस प्रकार का है जहां पर आप समझौता करना चाहते हैं या ऐसे है जिसको आप खत्म करना चाहते हैं या कोई चलान है या कोई बिजली बिल है जिसका निपटारा हो नहीं पा रहा है सिविल कोर्ट में आप लंबे समय से लगे हुए हैं ऐसे में जहां आप एक गवर्नमेंट के साथ या दूसरी पार्टी के साथ समझौता करके उसका तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं वहां पे आप लोक अदालत में जा सकते हैं लेकिन जहां जहां भी कोई matter, कोई मैटर ऐसा है जहां पे तथ्य को आप डिस्प्यूट कर रहे हैं या आप किसी बात पे अडिग हैं कि नहीं है, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए तो वहां पे हमारी एविडेंस एक्ट कहती है कि यू हैव टू प्रूव दैट थिंग तो जहां पे तथ्य को प्रूव करना पड़ेगा वहां पे पावर सिविल कोर्ट के पास आ जाती है क्योंकि लोक अदालत के पास पावर नहीं है कोई एविडेंस लेने की कोई तथ्य को साक्ष्य लेने की कुछ सजा भी भी है जब सजा की बात होगी कहीं तो सजा की सजा भी, भी लोक अदालत नहीं दे सकती लोक अदालत सिर्फ पेनल्टी दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ फाइन अगर आपकी कोई पेनल्टी है उसको कम कर सकती है अगर आपको कोई पेनल्टी का भुगतान करना है तो वो भुगतान एक्सेप्ट कर सकती है लेकिन वो कोई भी अलग से पेनल्टी नहीं दे सकती लोक अदालत ना ही वो कोई सजा दे सकती है वह सिर्फ निमटारा कर सकती है जो पहले से चल रहा विवाद है उसका अदालत एक नाम है जहां कोई इंसान सुनता है कि अदालत से कोई नोटिस आया तो डर जाता है क्या लोक अदालत के नोटिस का जवाब देना जरूरी है उसको लेना जरूरी है या अगर वो मिल गया अगर उसने नोटिस रिसीव कर लिया तो उसका उस लोक अदालत में पेश होना जरूरी है देखिए आमतौर पर मेरी राय तो यही रहेगी कि आप पेश हों लेकिन अगर आप लोक अदालत के नोटिस पे नहीं जा रहे हैं यह एक दीवानी मुकदमे की तरह चलता है जैसे सिविल कोर्ट ने आपको नोटिस कर दिया आप नहीं गए अगली तारीख पे भी आप नहीं गए आपको नोटिस रिसीव हो गया तो वो आपको एक्स एक्सपार्टी करके प्रोसीडिंग्स चला देते हैं जी। कि आप नहीं आ रहे हैं तो हम मुकदमा आगे चला रहे हैं आपकी एब्सेंस में इसको सुनेंगे सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट में हो जाता है लोक अदालत में क्या होता है कि अगर लोक अदालत का नोटिस आपके पास आया है और आप नहीं जा रहे हैं तो एक और बार आपके पास नोटिस आएगा कि आपका यह मुकदमा लगाया आप आके इसका निपटारा करें अगर आप तब भी नहीं जाते हैं तो वह केस लोक अदालत से हटके वापस सिविल कोर्ट में आ जाएगा क्योंकि आपने एक तरह से ये मना कर दिया कि मैं लोक अदालत में नहीं जाना चाहता अब वो मना करने के अंदर कहीं किसी मुजरिम की कैटेगरी में तो नहीं आएगा जहां नहीं, अदालत उसके खिलाफ को कोई उसमें कोई मुजरिम की कैटेगरी नहीं है क्योंकि यह दीवानी मुकदमा है यह आपकी इच्छा है क्योंकि लोक अदालत का मूल जो भाव है वह यही है कि आप दोनों पार्टी एक साथ समझौते पे आकर उसमें जाना चाहते हैं कोई भी पार्टी आपको फोर्स नहीं कर सकती कि हमारा केस लोक अदालत में जाए हमारा विवाद लोक अदालत में जाए जब तक आप नहीं चाहते आप उसमें जाके रिजोल्व नहीं करा सकते अगर जहां भी आपने ये कहा कि मैं नहीं जाना चाहता ये जाना चाहता तो मामला वहीं का वहीं रह जाएगा वो आपको वापस सिविल कोर्ट में सिविल ही सिविल कोर्ट आएगा अब एक ये अहम मसला आ जाता है कि अदालतें ये लगती कहां कहां है क्या जिस तरीके से जितनी अदालतें हैं अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कई अदालतें हैं क्या हर अदालत के अंदर एक लोक अदालत होती है या उसके लिए बाकायदा कुछ अलग हाँ, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बनाया गया है जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें अपॉइंट किया जाता है कि जिस दिन लोक अदालत बैठेगी उतने उस दिन कितने कोर्ट्स एज लोक अदालत वर्क करेंगे ये नोटिफाई कर दिया जाता है जिसमें जो सेशन कोर्ट होता है उसकी सेशन जज की ये रिकमेंडेशन होती है वो बताते हैं राज्य स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कि इस बार लोक अदालत में हम पांच कोर्ट्स बिठाएंगे दस बिठाएंगे जिस तरीके से मामले की पेंडेंसी है उस हिसाब से वो लोक अदालत को बिठा देते हैं तो इसमें कोई अलग तरीके से कहीं और कोर्ट नहीं लगता कहीं और कोई जज नहीं बैठता जो जज स्थाई रूप से पहले से बैठे हुए हैं उनको ही लोक अदालत का दर्जा दे एक दिन के लिए उनको वहाँ पर बैठ के विवाद को सुलझाने के लिए नोमिनेट कर दिया जाता है लोक अदालत लगती है जी। तो आपके हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सब में एक दिन के लिए उस दिन लोक अदालत का गठन किया जाएगा कुछ नॉमिनेटेड कोर्ट्स होंगे कि ये कोर्ट्स आज लोक अदालत की तरह बैठे हुए हैं और ये आपके सारे मामलों का निपटारा करेंगे तो कुछ

अपनी एप्लीकेशन मूव करके लोक अदालत का बैन तो पहले सिविल कोर्ट में पेंडिंग है तो आप पहले लगा के कह सकते हैं नया विवाद है जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन उसमें आपको लगता है कि हो सकता है तो आप उस दिन लोक अदालत वाले करना चाहिए बिल्कुल लोक अदालत वाले दिन उसका एप्लीकेशन मूव करके दोनों पार्टी खड़े होकर एक समझौता एक ऑर्डर आप अवॉर्ड ले सकते हैं अपने ये तो खैर तो खैर शहरों की बात हो गई है डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई है हमारा देश बहुत बड़ा है यहाँ देहात भी बहुत है बिल्कुल बहुत दूर दराज के गाँव भी हैं तो क्या अदालतों तो में आना जरूरी है या ये अदालतें गाँव तक हम पहुंचाने में कामयाब देखिए देखिए जैसे आपने एक कंसेप्ट सुना था लीगल एड लीगल एड का क्या है आम जनता को जिनके पास कानूनी सलाह पहुंचने का तरीका नहीं है नहीं। उन तक कानूनी सलाह पहुंचाने का उनको एक मदद देने का उसी तरीके से ये लोक अदालत उसी बेसिस पे बनाई गई है ये आप कह सकते हैं कि ये लीगल एड के साथ पैरेलल चल रही है तो जिस तरीके से लीगल एड में एक प्रोग्राम चलाया गया कि घर घर जाके आप लोगों को साक्षर बनाएं उनके कानून की व्यवस्था बताएं उनके कानूनी हक बताएं उसी तरीके से लोक अदालत में भी मोबाइल लोक अदालत का गठन किया गया है जिसमें जहां पे कोर्ट्स बहुत दूरी पे है या मामलों की पेंडेंसी ज्यादा है और उनको लोगों को आना पड़ता है तो एक मोबाइल लोक अदालत बना दी गई है जो उनके पास तक जाएगी और आप अपना निपटारा वहां पे उसका कर सकते हैं उसके लिए आपको एक, एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी जो भी कंसर्न लोग हैं कि हमारे इतने केस यहाँ पे पेंडिंग है हम चाहते हैं हमारे यहाँ लोक अदालत लगे लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन अपनी जगह है लेकिन अगर कोई देहात का आदमी है कोई गाँव का आदमी है वो देख रहा है कि एक मोबाइल मतलब एक गाड़ी के अंदर एक अदालत आई है तो क्या वो डायरेक्टली आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा वक्त हमारे पास कम है पेंडेंसी को कम करने के लिए इसका गठन किया गया इसका एक कॉन्सेप्ट लाया गया क्या वाकई हमारे देश में पेंडेंसी को जो जेर इल्तवा मामले हैं उनको कम करने में लोक अदालतों ने वाकई एक अहम भूमिका निभाई देखिए लोक अदालत ने काफ़ी हद तक पेंडेंसी को कम किया है और जिस प्रकार से अब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिए गए हैं नालसा के तो उन्होंने इस हद तक मतलब इसमें काफ़ी प्रोत्साहित किया है लोगों को कि आप लोक अदालत या ऑल्टरनेट

तो उस वजह से जो संगीन मुकदमे थे उनको इतना टाइम नहीं दिया जाता था कोर्ट उनमें तारीख दे देती थी, थी क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता था आज की डेट में साठ केसेस लगे हुए हैं तारीख का मसला कम हो गया जो तारीख पे तारीख हम सुनते थे लोक अदालत के अंदर आपको एक या दो तारीख के अंदर आपका मसले को हल करने की कोशिश की जाती है और जो आपका एक फंडामेंटल राइट है जल्द से जल्द इंसाफ की फराहमी उसको पहुंचाने में लोक अदालतें अपनी भूमिका निभा रही है जरूरत है इस कॉन्सेप्ट को समझने की और इसके तहत फायदा उठाने की तो आप लोगों ने आज जरूर यह जाना होगा कि लोक अदालत का क्या बेनिफिट है और किस तरह आप उससे फायदा हासिल कर सकते हैं मुझे बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रोहित जी का आज आज आपने इस आज इस प्रोग्राम में आ, वक्त दिया अपने तजुर्बे से इस प्रोग्राम में रोशनी डाली हमारे नाजरन ने भी आज की इस गुफ्तू से जरूर फायदा हासिल किया होगा हमारी आज की इस पेशकश को हमें अब यहीं मुकम्मल करना होगा हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और खास मौजू के साथ तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आधा